हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट एडमिशन। मायसेल्फ हिमांशु और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कॉलेज रिव्यू की एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है गाजियाबाद का एक जाना माना और एक अच्छा कॉलेज हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। एंड जानेंगे हाईटेक इंस्टीट्यूट की सभी इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी यहाँ की जानकारी है, जैसे इसका डायरेक्ट एडमिशन, एडमिशन प्रोसेस क्या है, प्लेसमेंट सेल कैसे काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इन सभी बातों का आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। 2004 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। और बात करें इसकी लोकेशन की तो दिल्ली हापुर का जो बाईपास है उस पे ये लोकेटेड है, यानी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ये लोकेटेड है। वैसे तो इसमें 22 कोर्सेज अवेलेबल है आप सभी के लिए। हम बीटेक को स्पेशलाइजेशन करके वीडियो बना रहे हैं तो आपको यूजी और पीजी यानी बीटेक और एमटेक का ऑप्शन में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके अप्रूव्ड और एफिलिएशन के बारे में, तो AICTE NCT से ये अप्रूव्ड है, AKTU लखनऊ से ये एफिलिएटेड है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से ये एफिलिएटेड है। आप सभी को परेशान और चिंताजनक होने की कोई बात नहीं है कि ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ की डिग्री है, किससे एफिलिएटेड है, तो एक ठीक ठाक जानी मानी अच्छी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। आप अप्रोच कर सकते हैं इसको अपने एडमिशन के लिए अगर आप गाजियाबाद के आसपास या इस कॉलेज के आसपास रहते हैं। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ कि गाइज आपको दूर दूर कॉलेज लेने की बजाय आप अगर अपने पास वाले कॉलेज में जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। मान लो आपका कॉलेज का आवर है 6 से 7 घंटे आप कॉलेज में स्पेंड करते हो और आप ट्रेवल में दिन के खराब कर देते हो 4 से 5 घंटे, तो ये आपके लिए ना एक बहुत ही घाटे का सौदा होगा। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो ना आप थक जाते हो, घर जाके भी आपकी कोई हिम्मत नहीं रहती कि आप कुछ काम कर पाओ। बट अगर वही टाइम आप यूटिलाइज करते हो, आपका 10-15 मिनट की दूरी पे कॉलेज आप यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, अपने आप को एक अच्छा मतलब इंसान है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है यार कॉलेज लाइफ में ना, बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। तो आप उस पे, तो जो टाइम आपको मिलता है ना ट्रैवल से बच के उसमें आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हो। और सबसे जरूरी आपकी स्ट्रेस बहुत ज्यादा घट जाती है जब आपका कॉलेज आपके मतलब घर के पास होता है। रैंक 35th अमोंग बेस्ट कॉलेजेस बाय शिक्षा, जो शिक्षा वेबसाइट है उसके थ्रू अगर मैं उसकी रैंकिंग के बारे में बताऊं। चलिए बात कर लेते हैं इस कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस और डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसके फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो 2.2 से लेके 2.4 लाख पर 4 ईयर आपको फीस देखने को मिलती है। बात करूँ एलिजिबिलिटी का, 50% से वो आपके 12th में मार्क्स एंड JEE मेन का एग्जाम आपको दिया होना चाहिए इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। एडमिशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो JEE मेन और UPSC के एग्जाम के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम है यूपी गवर्नमेंट का और JEE मेन जो ऑल इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को ये आती है कि भाई हमें पता है इसमें एडमिशन हो जाता है, हमें पता है दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन हमें कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पाएगी क्योंकि हमारी रैंक नहीं है। तो आप लोगों को ना इस चीज में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है क्योंकि गेट एडमिशन आपके साथ है, आपकी जरूर हेल्प करेगा आपके एडमिशन कराने में। गेट एडमिशन आप सभी की हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन और अपनी मनपसंद स्ट्रीम दिलाने में। तो आप बेफिक्र होकर गेट एडमिशन के नीचे दिए हुए नंबर, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और अपना एडमिशन बुक करा ले। मेल आईडी भी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पे मेल कर सकते हो और अपना एडमिशन बुक करा सकते हो। अपना एडमिशन जल्दी बुक करा ले क्योंकि आजकल ना एडमिशन पीक पे चल रहे हैं, तो आप बातचीत करके ना फिक्स रखें चीजों को। चलिए बात कर लेते हैं इस कॉलेज की कुछ प्लेसमेंट सेल के बारे में। तो प्लेसमेंट इसकी हाईएस्ट पैकेज 10 लाख है और एवरेज पैकेज यहाँ का 5 से 6 लाख के बीच आपको देखने को मिलता है। टॉप कंपनीज यार वही जो मैं हर कॉलेज में बताता हूँ, अब ठीक है अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती हैं यहाँ पे देखने को, जब 10 लाख का पैकेज मिल रहा है तो कंपनी भी अच्छी खासी आई रही होगी। तो कंपनी से इंपॉर्टेंट है इस टाइम आपकी 4 साल की, जो आपको 4 साल बिताने इस कॉलेज में या फिर किसी भी कॉलेज में, और उससे भी इंपॉर्टेंट है आपको उन 4 सालों में क्या करना है, तो वो इंपॉर्टेंट है अभी, जो बहुत दूर है मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है। क्योंकि इन 4 सालों में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयाँ, आसान सब चीज़ें आ जाती हैं, आप बस अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना, आपको 10 या 20 लाख का पैकेज मिल जाएगा ये मैं कहता हूँ। स्कॉलरशिप भी आपको इस कॉलेज में देखने को अच्छी खासी मिल जाती है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एकेडमिक वाइज स्कॉलरशिप एंड स्पोर्ट्स कोटा स्कॉलरशिप, और कुछ मतलब ऐसा फैमिली बैकग्राउंड वाली भी देखने को मिल जाती है। तो आप स्कॉलरशिप भी इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। एंड फैकल्टी फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का काफी अच्छा देखने को लगता है, अच्छी खासी एक वाइब देता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में कॉलेज काफी अच्छा है, फैकल्टी यहाँ की बढ़िया यार अच्छी, मतलब पढ़ाती है, लिखाती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर दिलाती है, आगे आपको कामयाब करती है।
एंड आपको सीखने को मिलता ही है। हमारे जो जितने भी गुरु होते हैं उनसे सीखने को जरूर मिलता है। तो फैसिलिटीज आपको सभी प्रकार की देखने को मिल जाती है, जैसे लैब्स हो गए आपके और कैफेटेरिया और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या फिर और भी सुविधाएं, जैसे आप अच्छी तरह घूम फिर सकते हो, तो वो सब पॉजिटिव वाइब्स है इस कॉलेज में। आप पढ़ सकते हो, घूम सकते हो, रह सकते हो 4 साल आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप चूज कर सकते हो, गेट एडमिशन को कॉल कर सकते हो अपना डायरेक्ट एडमिशन कराने के लिए, एंड बेफिक्र होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद।